सुप्रभात बच्चों, हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग पाठ 5 ममता की मूरत के शब्दार्थ और मौखिक प्रश्न करेंगे। तो आइए चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला शब्द है तन्मयता। तन्मयता मीन्स होता है लगन। लगन मतलब कि किसी भी काम को बहुत ही मन के साथ करना, मन लगाकर किसी कार्य को करना। साक्षात जीती जागती, जो हमारे सामने हो, जीती जागती वस्तु, वो साक्षात कहलाती है। अथाह, अथाह मतलब ढेर सारा, बहुत ज़्यादा। निराश्रित, बेसहारा, जिसका कोई सहारा ना हो। फिर है रुग्ण। रुग्ण का अर्थ होता है बीमार। नन, नन होता है संन्या। ईसाई धर्म में जो लोग संन्यास अपने गृहस्थ जीवन से ले लेते हैं, उन्हें संन्या कहा जाता है। मरणासन, जिसकी मौत निकट हो, जो मरने ही वाला हो। जीर्ण शीर्ण, जीर्ण शीर्ण मतलब बहुत पुराना, टूटा फूटा जो होता है उसको जीर्ण शीर्ण कहते। तो बच्चों, अब देखते हैं मौखिक प्रश्न। इन प्रश्नों के उत्तर बताइए। पहला प्रश्न है, शरणार्थी शिविरों का दौरा किसने किया था? तो शरणार्थी शिविरों का दौरा अमेरिकी सीनेटर कैनेडी ने किया था। मदर टेरेसा के हाथ किसने अपने हाथों में ले लिए? मदर टेरेसा के हाथ सीनेटर कैनेडी ने अपने हाथों में ले लिए। मदर टेरेसा का जन्म कब हुआ था? मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 में हुआ था। मदर टेरेसा कैसी साड़ी पहनती थी? मदर टेरेसा नीली किनारे वाली सफ़ेद साड़ी पहनती थी। मदर टेरेसा की संस्था का नाम क्या है? मदर टेरेसा की संस्था का नाम मिशनरीज ऑफ चैरिटी है। तो बच्चों, ये शब्दार्थ जो आपकी पुस्तक में दिए हैं, इनको आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और याद करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।